शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा आज हिंदी पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा हर वर्ष अश्विनी मास में आती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस वर्ष शरद पूर्णिमा या अश्विनी पूर्णिमा आज 16 अक्टूबर को है। शरद पूर्णिमा का एक विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। पूर्णिमा की चांदनी में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है। तर्क है कि चंद्रमा की किरणें पड़ने से खीर भी अमृत के समान हो जाती है। उसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। इसे शरद ऋतु की शुरुआत भी माना जाता है। माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डीपी शर्मा साथ जुड़ चुके हैं। डीपी शर्मा जी, आपको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज शरद पूर्णिमा किन मायनों में खास है, किस तरह से पूजा पाठ करना है, क्या कुछ इसका विशेष महत्व? देखिए, बहुत सारी शुभकामना शरद पूर्णिमा की, बहुत शुभ आशीष। ये महापर्व है, ली गई है। आज ही की रात्रि में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। 80,000 गोपिकाएं भगवान कृष्ण के साथ महारास में थी। रासलीला के कारण आज के भगवान नारायण का पूजन करना, विष्णु का पूजन करना और सत्यदेव का पूजन के लिए पूर्णिमा लिया गया है। आज में रात्रि में खीर बना करके छत पे किसी वस्तु पे ढक के रखते हैं और उसके चंद्रमा की जोश पड़ती है, उससे जो खीर है अमृत तुल्य हो जाता है, जो महाप्रसाद में खाया जाता है। साल में तो बार बासी भोजन करने का विधान है, एक शरद पूर्णिमा और एक हमारे चैत्र में जो माघ शीतला के पूजन करते हैं। यही साल में तो दिवस का रात्रि प्रसाद का भोजन लिया जाता है, अन्यथा और कोई नहीं लिया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण के पूजन करें, नारायण के पूजन करें और आज ही रात्रि में महाप्रसाद का भोग लगाएं भगवान कृष्ण को, अन्यथा चंद्रमा के द्वारा जो आशीर्वाद आज मिलेगा जनमानस को या हम सबको जो सनातन के मानने वाले हैं, जो इस पर तो करते हैं, तो उस प्रसाद को भोग लिया जाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।